वायरस मावे ओ तैनू कस मावे तू मैनू छोड़ियो ना मेरे खसम आवे वी वायरस मावे ओ तैनू कस मावे तू मैनू छोड़ियो ना ओ मेरे खसम आवे हम खाली 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 इस खाली दुनिया में तू हाथ जरा अलग बात है साकी के मुझे होश नहीं वरना मैं कुछ भी हूँ एहसान फरामोश नहीं मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ इंस्टेंट पारी में आपका होश और दोस्त आरजे राजीव हूँ और ये पार्टी का माहौल चल रहा है तो पारी हार्ड एंड एंजॉय गाइस। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 7। मैं हूँ आरजे नरेश और इंस्टेंट पार्टी, लॉकडाउन इंस्टेंट पार्टी चल रही है और आज आप ये समझ लें कि मेरा शो है, मेरा प्लेटफॉर्म हाईजैक हो चुका है अगले एक घंटे के लिए। तीन लोग हमारे साथ पार्टी में शामिल हैं, राजीव साहिर जिन्होंने अभी आपको एक बहुत प्यारा सा शेर सुनाया, अभी बहुत कुछ सुनाएंगे वो आपको। इसके साथ सागर है अपने कीबोर्ड के साथ, हमारे साथ रेडी हैं आज, आप वो भी आपको बहुत कुछ सुनाने वाले हैं। साथ में राम सिंह है हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी शो में हमारे साथ एक घंटा रहेंगे और मजेदार बातें करने वाले हम लोग। आप सबका स्वागत है, सागर और राम सिंह बताएं अपने बारे में थोड़ा सुनने वालों को। नमस्कार, मेरा नाम सागर है और इस समय मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ और मैं अभी करंट में इंडियन रेलवे में जॉब करता हूँ और मैंने म्यूज़िक में काफ़ी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को फॉलो किया है और बहुत कुछ करना चाहता हूँ म्यूज़िक में और वही अभी कर रहा हूँ। और ब्लाइंड क्रिकेट नेशनल प्लेयर मैं हूँ और उत्तराखंड से खेलता हूँ। वेरी गुड जी, ये उत्तराखंड से हैं, नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टीम में भी खेल चुके हैं, यानी कि प्लेयर हैं वहाँ के, और म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है। राम सिंह बहुत बहुत स्वागत है। नरेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात आप सबको ये बता दूं कि इवन दो द शो हैज बीन हाईजैक, स्टिल नरेश जी बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है पहले तो। एनीवेज, मैं एक डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट भी हूं और वर्तमान में दिल्ली में हूं और पीएचडी स्कॉलर हूं और मैं भी कभी कभी म्यूजिक मस्ती में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ और कुछ कुछ कोशिश कर लेता हूँ। सो पूरे शो में हम लोग कुछ ना कुछ आपको गुनगुनाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए और हाईजैक हुए इस शो को हाईजैक के तरीके से एंजॉय करते रहिए। बिल्कुल, ये शो हाईजैक जरूर हुआ है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्लाइट मेरे पास ही है तो हाईजैकर्स को काम मेरे साथ ही करना है, थोड़े काइंड हार्टेड हैं ये लोग।
बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक बात है। और बाकी हमारे वो लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं उनका तो वो शुक्रिया है ही, लेकिन अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर हमें टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट या कॉल, या फिर आप चाहें तो मिस कॉल भी दे सकते हैं। मिस कॉल का ज़माना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मिस कॉल दे के काम चला सकते हैं, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस इंस्टेंट पार्टी में और कुछ कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, किसी को मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना हो, तो भी तैयार हैं, हम आपके साथ हैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यस, आज तो नरेश भाई, आज तो किसी को प्रपोज करना है तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम मोहब्बत को बढ़ावा देते हैं। और मैंने कभी कहा था कि कहो दुनियाए उल्फत में तुम शिरकत क्यों नहीं करते, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। तो मोहब्बत एक बहुत अच्छी शय है ना, बिल्कुल, तो मोहब्बत कीजिए, इस शय को और आगे बढ़ाएं। और हम तो वैसे भी इस मोटो से आगे बढ़ते हैं कि प्यार बांटते चलो, और कुछ है नहीं शायद लाइफ में, और यही हमारी एक कोशिश है कि लॉकडाउन के पीरियड में जब आप परेशान हैं, थोड़े से उदास हैं, घर पे हैं और बहुत कुछ सुन सुन के बोर भी हो गए हैं, तो हमने सोचा आपको रूटीन शो से निकाल के कुछ अलग से दिया जाए, जिसमें राजीव साहिर हमारे साथ हैं जो कुछ ना कुछ सुनाएंगे आपको बहुत कुछ, साथ में सागर हैं आज अपने कीबोर्ड के साथ, राम सिंह मेरे साथ बातें करेंगे, मतलब हम दोनों कुछ ना कुछ बात करते रहेंगे आपके लिए। हम तो कोशिश करेंगे कि अलग अलग तरह के रंग, अलग अलग तरह का जायका आपको यहाँ पे दे पाएं, जो शायद आपके मन को कुछ देर, यानी कि जिस टाइम पे आप हमें सुनेंगे 10 से 11 के बीच में, उस टाइम आप बिल्कुल हल्का फील करें, और सोने के वक्त जो चीज़ हम आपको दे सकते हैं शायद वो बहुत बेहतर होगी इस टेंस माहौल में, इन्वायरमेंट में। और अगर आप चाहें तो बिल्कुल हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, और फीडबैक सेक्शन में जाके आप अपनी राय हमारे तक पोस्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सागर को बुला लें कुछ, या राजीव कुछ कहना चाहते हैं पहले? अभी 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 सागर से सुनिए, मैं तो खैर बोलता ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम ही बोलना है, और बिल्कुल मैं अपने बारे में पहले कुछ बताऊँगा, पर पहले सागर भाई, फिर मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ। तो मोहब्बत की बात हुई है जी, तो क्यों ना मोहब्बत से ही शुरू किया जाए। बिल्कुल, एक सॉन्ग है बहुत पुराना, रेट्रो सॉन्ग कह सकते हैं, मोहम्मद रफ़ी और आई थिंक मोहम्मद रफ़ी साहब का सॉन्ग है, तो आप लोग जरूर इसको सुनिए, आई होप मजा आएगा। ओके। मेरे दिल को संभाल के मेरी क्या जीत में बता, मुझे जितने तड़पा दिया यही है वो जानिम अता, यही है वो जानिम अता, वो रांझा की बातें वो मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां, इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए उम्र तुमने सीखा कहाँ से, निगाहें निगाहों में जादू चलाना बताए उम्र तुमने सीखा कहाँ से। भाई वाह वाह वाह, और मजा आया सागर इस प्यारे से गाने के लिए, और अच्छा लगा। और यहाँ पे लाइव ही आप इस तरह के जब गाने हम सुनेंगे, तो अगर कभी नेटवर्किंग का इश्यू होगा तो हमारे लिसनर शायद उसको बेयर करेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं कभी कभी जब हम इस तरह के शो में लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, और थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू सामने आता है। और वैसे भी आपको पता है कि आजकल
डाटा सब जगह बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उसकी कोई इशू होती है। बिल्कुल, तो सागर थैंक यू वेरी मच इस प्यारे से गाने के लिए। बहुत पुराना गाना है लेकिन बहुत ही कहते हैं कि जो टाइम पे फिट बैठता है, और पार्टी में कोई ज़रूरी नहीं है नए गाने या बीट्स वाले गाने हो, आपकी पार्टी को एंजॉय करने के लिए हम पुराने गाने भी प्ले कर सकते हैं। यस राजीव एक मिनट राजीव, इससे पहले जी जी बोले जी हैं नरेश भाई, जी ये क्या है, क्योंकि पार्टी हाईजैक हो चुकी है और ऑल्दो हम कॉपरेट कर रहे हैं लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, ये जो वर्चुअल साइड इफेक्ट हैं, तो जी आपको बैर तो करना ही पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। नरेश भाई भी बहुत कोशिशों में एकदम पूरा जद्दोजहद से लगे हुए हैं, बट स्टिल आपको बैर करना पड़ेगा, तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन एंजॉय कीजिए। हम सॉरी क्यों बोल रहे हैं, सॉरी उसके लिए भी अपने आप से। पहली बार मैंने आए जाकर देखे हैं जो सॉरी भी बोल सकते हैं, नहीं तो वो पिस्टल के साथ काम करवाते हैं सारे, ये नहीं आपने थोड़े बोला अलग ना है। इनिशियली, आपने इनिशियली बोला ना काइंड हार्टेड, तो उसका थोड़ा काइंडनेस बीच बीच में आ जाता है, वो टपक पड़ता है। पहला हाईजैक है ना। हाँ पहला हाईजैक है, ये सीख रहे हैं हाईजैकिंग अभी। राजीव तो जी, मेरी बारी है। खैर वैसे मैं एक पोएट हूँ, कोशिश करता हूँ पोएट्री करने की। पोएट तो क्या ही हूँ, किताब आई है मेरी एक अक्स, जी और थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, और थिएटर आर्टिस्ट हूँ। थिएटर आर्टिस्ट इन द सेंस के मैं ड्रामे और करता भी हूँ, अभी एक ड्रामा लिख भी रहा हूँ, और जी क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड्स डायरेक्ट नहीं करते थे पहले नाटक, है ओके ना, तो मैं मतलब आई एम वन ऑफ द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड स्टेज प्ले डायरेक्टर। तो जी आज से 4-5 साल पहले ये सोचा था कि किया जाए डायरेक्शन, और कई स्कूल्स में जाके जो है ड्रामेटिक्स क्लब खुलवाए जो नॉर्मल स्कूल थे वहाँ पे, और ओके बाकी तो ये सफर तो यूं ही है। बाकी तो क्या है कि बस ये बशीर बद्र साहब कहते ना कि यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, गिलास और बढ़ा दे शराब कम कर दे तो गिलास की कीमत है, तो वही हम गिलास बस। तो क्या क्या सुना रहे हैं बाकी एक नज़्म सुन लीजिए, जी इसका उनवान है कि एक खत मेरी सब माशुकाओं के नाम। क्या बात है, आज ही सुनी है आपने, मैंने सुनाई आपको, तो खैर जी जी सुनिएगा। तो हमने जो है माशूकाओं को खैर हाईजैक नहीं किया है, शो को हाईजैक किया है। कि एक खत मेरी सब माशूकाओं के नाम, उनके होठों के नाम, उनके गालों के नाम, उनकी आंखों के नाम, उनकी जुल्फों के नाम, अब किसी से मोहब्बत नहीं है मुझे। एक खत मेरी सब माशुकाओं के नाम, उनके होठों के नाम, उनके गालों के नाम, उनकी आंखों के नाम, उनकी जुल्फों के नाम, अब किसी से मोहब्बत नहीं है मुझे, और किसी से शिकायत नहीं है मुझे। हाँ शऊरे इबादत नहीं है मुझे, शऊरे इबादत यानी बात करने का तरीका नहीं आता। हाँ शऊरे इबादत नहीं है मुझे, अपनी पहली मोहब्बत में खुद हो गया, अपनी आगोश में मैं खुद ही सो गया, मुझको रोना जो आया तो खुद रो लिया, अब किसी की जरूरत नहीं है मुझे, एक खत मेरी सब माशुकाओं के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई, क्या भाई, किस किस को चिट्ठियां पहुंची हैं वो चाहें तो हमें रिप्लाई बता सकते हैं यहाँ पे, अगर इनका लेटर या इनके जो इनका जो खत है वो आपके पास पहुंचा है हमारे थ्रू या पहले किसी और मीडियम के थ्रू, तो हम जो आपको शायद यहाँ पे शेयर कर रहे हैं अपने शो में जुड़ने के लिए 9015173846 ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलरली इस शो के लिए, उसमें आप अपने रिप्लाइज भेज सकते हैं, चाहे तो वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, कॉल भी कर सकते हैं, और लास्ट ऑप्शन तो है ही आपके पास मिस कॉल का भी। राम सिंह क्या कह रहे हैं, आपके पास भी कोई चिट्ठी है क्या जो आप भेजना चाहते हैं? मेरे पास भी चिट्ठियां हैं पर मैं हाईजैकर हूं, तो कभी भी हम लोग हाईजैकर होने के नाते बाद में उसको कन्वे कर सकते हैं। फिलहाल सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये दो लाइन है वडाली ब्रदर्स की जी। कि तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, कहीं और ना सजदा गवारा, असा ते तेनू रब मनिया, तू मनिया ना मन दिलदारा, असा ते तेनू रब मनिया, दस होर केड़ा रब दा दुबारा,
दस होर केड़ा रब दा दवारा असां ते तेनू रब मन्या। मेरी चिट्ठी मुझे लगता है कुछ तो पहुंची होगी। चिट्ठी पहुंच गई है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं दो लाइन ऐड करना इजाजत चाहे तो बिल्कुल देना चाहे। इजाजत नहीं साहब, आप ही तो हाईजैकर हैं, मैं अकेला हूं आजकल। हां भाई के अपने तन की खाक उड़ाए, अपने तन की खाक उड़ाई, तब ये इश्क की मंजिल पाई। अपने तन की खाक उड़ाई, तब ये इश्क की मंजिल पाई। मेरी सांसों का बोल एक तारा, असाते तेनू रब मन्या। दस होर केड़ा रब दा दवारा, ओ दस होर केड़ा रब दा दवारा, असाते तेनू रब मन्या। तू माने या ना माने दिलदारा, असाते तेनू रब मन्या। शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और सागर भाई आप कहाँ पर हैं? हम कुछ तो हो जाए फिर बिल्कुल, एक पार्टी है तो पार्टी जैसा सॉन्ग भी होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत पार्टी वाला कोई सॉन्ग सुना दे। आप दो आपके जो हाईजैकर्स हैं वो बहुत कुछ कर रहे हैं अभी भी, आप पीछे ना रह जाएं। सच्ची सी है ये तारीफें जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीफें जो मैंने करी है। हो आसमां मिला जमीन को मिली, आधे आधे पूरे हैं हम तेरे नाम पे, मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हम सिखा। मैंने जीना जीना कैसे जीना सिखा, मैंने जीना मेरे हम ना सिखा, कभी जीना जीना कैसे ना सिखा, जीना तेरे बिना हम दम। ओ यार सागर, ऑनेस्टली स्पीकिंग रेडियो उड़ान के सभी दर्शकों को मजा तो बहुत आ रहा होगा, और नरेश भाई हाईजैक हो गए हैं उसके बावजूद उनको मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये जो प्लेन हमने हाईजैक किया है इसके सारे लोग हाईजैकर्स कितने मजेदार हैं। वाह वाह भाई वाह, बिल्कुल। अरे बिल्कुल, मतलब नेकी और पूछ पूछ ऐसी कैसी बात कर रहा है सागर भाई। हाईजैकर जो हैं वो अच्छे इसलिए क्योंकि वो सारा काम खुद भी कर रहे हैं, क्या बात है, टैलेंटेड ज्यादा है। कटती रातें मेरी इल्तिजाए नींद लेकर, भटके आंखें मेरी इल्सियत के ख्वाब चुनकर, कटती रातें मेरी इल्तिजाए नींद लेकर, भटके आंखें मेरी मिलो लंबे ये फासले हैं, बस तसव्वुर के सिलसिले हैं। रात जगे गुम तुम पड़े हैं पलकों पे रायना, मन बावरा
ढूंढता मन बाब रा, तुझे ढूंढता तुझे ढूंढता तुझे ढूंढता। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और किसी को ढूंढ रहे हैं सागर भाई, और इस फ्लाइट में आपको मज़ा ज़रूर आएगा, क्योंकि ये जो हाईजैक है ये ऐसा हाईजैक है जो हमारे लिसनर्स के लिए हैं, हमारे उन श्रोताओं के लिए जो शायद हमें कहीं से भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर इस वक्त सुन रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि इंटरटेनमेंट आप हाईजैक के थ्रू भी हो सकता है, और हम दुआ करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं कि कभी हाईजैक ना हो कुछ भी। अगर हाईजैक हो तो हाईजैकर्स इन जैसे हो जो लोगों को इंटरटेन कर सकें, लोगों को थोड़ा सा सुकून दे सकें, अच्छी चीज़ें अच्छी बातें बता सकें। क्योंकि अक्सर जो हमने देखा है वो हाईजैक जो होते हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं, लोग मारे जाते हैं और उनके पास वेपन्स होते हैं। इनके पास जो वेपन है, किसी के पास कीबोर्ड है, किसी के पास बहुत अच्छी आवाज़ है, किसी के पास कहने को बहुत कुछ है। जैसे राम सिंह, कुछ गाना भी उन्होंने शेयर किया, आगे भी कुछ ना कुछ शेयर करेंगे। साथ में राजीव हैं जो बहुत कुछ आपको बताएंगे सुनाएंगे, और ऐसी चीज़ें बस सुनाएंगे, ऐसी चीज़ें आपके साथ कहेंगे आज जो रूह को सुकून देती हैं, दिल को सुकून देती हैं। तो ऐसी पार्टी हाईजैक हो, ऐसी फ्लाइट हाईजैक हो तो शायद मज़ा आ जाए। राजीव भाई जी, रेडियो उड़ान सुनने वाले दोस्तों को एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे झेल रहे हैं आप लोग। और झेल तो क्या ही रहे हैं, हाईजैक तो हमने किया है तो झेलना ही पड़ेगा। और राम सिंह, सागर और नरेश भाई को सुन के जो है अच्छा तो लग ही रहा होगा। खैर, एक गजल सुनाओ कि नज़्म सुनाओ, बताइए आप। कुछ भी सुना दें, मर्जी है आपकी, हम तो वैसे भी और एक 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 राजीव भाई, मुझे लगता है नज्म सुनाएं, क्योंकि गजलें अक्सर होती हैं और जी मौसीकी के जमाने में या फिर ये शेरो शायरी के जमाने में, मुझे लगता है मतलब लोगों को उस दौर से परिचित कराने के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म। और दूसरा नज्म एक ऐसी चीज है जिससे लोगों को वाकिफ होना जरूरी है, मुझे लगता राम है। भाई मैं जी वो राम भाई मैं हाँ नज्म के बारे में भी बता दूंगा, मैं समझ बिल्कुल गया। बिल्कुल मैं वो नज्म सुनाऊं क्या जो नज्म मैंने आज, एक थोड़ी संजीदा थी वो सुनाई थी जो मैंने आज क्लब हाउस पर। बिल्कुल सुना दें, कोई इश्यू नहीं है, हमारे बहुत से लिसनर्स हैं जो संजीदगी के साथ आपको सुनेंगे, और शायद उम्मीद है बिल्कुल, मज़ा भी बहुत आएगा उनको। और वो तो मैं लिसनर्स पहले न... जो बिल्कुल जो हमारे लिसनर्स हमको सुन रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, हमें ज्वाइन करना चाहता है इस हाईजैक पार्टी में, अब पहले तो इंस्टेंट लॉकडाउन पार्टी थी, अब ये हाईजैक पार्टी हो गई है, तो अब ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें टेक्स्ट और वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हैं, साथ में कॉल कर सकते हैं शो के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर। राजीव जी तो ज़रूर कॉल करें, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। और ये जो एक नज़्म है इसका उनवान है लड़कियां, जी और ये डाउरी के खिलाफ लिखा था। और मैं डिस्क्लेमर देता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें झेली हुई हैं, लोग मुझे समझते हैं कि या तो मैं JNU का हूँ, जी या तो मैं जामिया का हूँ, या तो मैं कुछ नहीं तो फेमिनिस्ट तो होऊंगा ही, क्योंकि मेरा ओके ऐसा लुक ऐसा ही रहता है कि मैं जो है मतलब कुर्ता जीन्स वाला। तो लोग मुझे देख के बोल देते हैं हे यू आर फ्रॉम JNU, तुम जामिया नहीं, आप तो फैज गाते हैं, आप तो जो हाँ है संजीदा चीजें करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो खैर सुनिएगा कि जी जिसको हमने शान से पलते देखा है, जिसको हमने फूलते फलते देखा है, कदम मिलाकर जिसको चलते देखा है, उसको जला दिया लोगों उसके घर ने, भेज वाह दिया ससुराल उसे घुट घुट मरने। क्या बात है, सुना है उस लड़की का घर अच्छा घर है और पति उसका तो सबसे बेहतर है, पर लड़कों की कमियां कौन गिनाता है, पति हो कैसा परमेश्वर कहलाता है। सुना क्या बात है, है वो लड़की पर हाथ उठाता है, कभी कभी सिगरेट से उसे जलाता है, बाप गरीब है पैसा नहीं दिया उसने, लड़के ने जो चाहा नहीं किया उसने, पर लड़की ने
ससुराल को अपना घर समझा, उसको ही मक्का उसको मंदर समझा, उस लड़की का नाम निशान मिटा डाला, साहिर उस लड़की को वहीं जला डाला, साहिर उस लड़की को वहीं जला डाला। अल्लाह क्या बात है, बहुत खूब सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। और नज्म के बारे में जैसे राम भाई ने कहा था, तो दोस्तों नज्म जो है जैसे हिंदी में कविता होती है वो एक टॉपिक पे चलती है, और वो मतलब कभी अगर रेडियो उड़ान मौका दे मुझे तो मैं एक पूरा सेशन करूंगा नज्म और गजल पे जी। और जी तो एक टॉपिक पे होती है नज्म, जैसे जो ये नज्म है पूरी एक टॉपिक पे है, जो गजल है वो गजल जो है वो उसमें जो शेर होते हैं उसका एक एक शेर एक एक टॉपिक होता है, जैसे जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, कृष्ण बिहारी नूर, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं, है ना। ये एक टॉपिक हो गया। अब ये है, अब आखिर अब एक शेर पढ़ेंगे इसका कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, ये मुख्तलिफ टॉपिक है। तो ये गजल बिल्कुल। थैंक यू, शुक्रिया। तो राम सिंह, ये अब ना इनका तो नंबर भी नहीं पता मुझे, कौन से नंबर के हाईजैकर हैं, वन ऑफ द थ्री। ये क्या है ना, ये जो एक ये रू कब्जा है, ये रू पे कब्जा हो रहा है और हाईजैक करने के बाद आदमी ऐसा ही करता है, कुछ काम करता है। ये हमारे हिप्नोटिज्म के स्पेशलिस्ट हैं और इसी तरह से रू कब्जा लेते हैं। जितनी रूहें आपके पास कॉल्स या कांटेक्ट में आएंगे समझ लीजिएगा उनका उन पे कब्जा हो गया है। तो जो लोग सुन रहे हो ऑलरेडी उन पे काफी लोगों पे कब्जा हो गया है, बाकी धीरे धीरे परसेंटाइल वाली जो लाइन है वो बार ऊपर जाती जाएगी। हमने रू कब्जा सुना, रू आबजा सुना था, रू कब्जा आज पहली बार सुना है। ये राजीव भाई का कमाल है, रू कब्जा अक्सर वो करते हैं। ये हाईजैकर्स में भी हम लोगों को आज पता चला, पहले नहीं पता था, अभी प्लान किए तो अभी इतना बताया नहीं उन्होंने, बट अभी ये देखो क्रिस्टल क्लियर हो रहा है किसे कैसे रू कब्जा कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, इंस्टेंट पार्टी है, तो जो बहुत सी चीजें ऐसी जो इंस्टेंट हो रही है, हाईजैकर्स के प्लान में जो नहीं था वो भी हो रहा है। सागर क्या सुना रहे हैं अब? अब जो है मैं दो गाने लगातार सुनाऊं, क्योंकि दो मतलब इन्होंने इतना टाइम तो ले लिया हो कि दो गाने हो जाते। अच्छा ये क्या बात है, बदला, इसको कहते हैं बदला, सागर बदला लेंगे राजीव और राम सिंह से। हालांकि ये बदला जरूर है लेकिन ये हमारा प्यार है, आपस में बढ़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई लव इट। नहीं नहीं, ये है कि इतने में हम पानी वानी पी लेंगे, चाय वाय पी लेंगे करते हो। चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना हो ना मेरा साथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हम ना। जब कोई बात गिर जाए, जब कोई मुश्किल खड़े जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमना। कच्ची डोरियां डोरिया मैनो तू बांध ले, पक्की यारियों मैनू तू थाम ले, नाराजगी ताजगी सारी तेरी मेरे सोने सुन ले, मेरे दिल दिया गला करांगे नाल नाल बैके, सच्चियां मोहब्बतां निभाके दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैके, सच्चियां मोहब्बतां निभाके।
सताए मैनू क्यों देखाए मैनू क्यों ऐवें झूठे झूठे रस्म निभा के दिल दियां गल्लां आए करांगे नाल नाल बह के सच्चियां मोहब्बत निभा के दिल दियां गल्लां आए करांगे रोज रोज बह के करांगे रोज रोज बैके सच्चियां मोहब्बतां निभाके। बहुत जबरदस्त सागर, बहुत मजा आ गया। हम लोग अक्सर सागर की कंपनी एंजॉय करते हैं, आज हाईजैक किया है तो आप लोगों को एंजॉय तो करनी ही पड़ेगी। उसके साथ साथ रेडियो उड़ान को सब्सक्राइब कीजिए, एप्स डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, और हम लोगों के साथ स्पेशल मजे कीजिए। अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो अपने टेक्स्ट कॉल्स जो नरेश भाई ने नंबर दिया है उस पर भेजिए, ताकि हम लोगों को ये महसूस हो सके कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। और नरेश भाई अभी नंबर रिपीट कर देंगे। बिल्कुल, 9015173846 इस शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। साथ में अगर चाहें तो फेसबुक पे आएं और दिल से दिल तक का पेज है उसको लाइक कर सकते हैं। वहाँ भी आप अपने कमेंट के थ्रू या डायरेक्ट पोस्ट के थ्रू भी अपनी बातें हम तक शेयर कर सकते हैं। और ख़ास बात यह कि अगर आप 11 बजे तक अपनी बात पोस्ट करते हैं, अपनी मैसेज अपना शेयर करते हैं तो हम शो में शामिल कर पाते हैं। लेकिन अगर उसके बाद होता है तो उसे हम पढ़ते ज़रूर हैं, समझते हैं की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ऑन एयर नहीं जा सकते। और माशाल्लाह अगर ऐसे हाईजैकिंग होती हैं, मैं दुआ करूँगा कि अगर इस तरह के हाईजैकर्स मिल जाएँ तो शायद सरकारों को कभी चिंता ना करनी पड़े, क्योंकि ऐसे हाईजैकर्स होते नहीं हैं। अगर होंगे तो जिसको भी हाईजैक करेंगे उनको परेशानी नहीं होगी। और माशाल्लाह जो उनकी काइंड हार्टेड होने की जो एक खूबी है वो लोगों को ना भूखा मारेगी ना उनको गोली मारेगी, होपफुली उन्हें इंटरटेन करेंगे। और कोशिश ये होगी कि लोग आनंद से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अभी मैं इनसे कुछ सवाल भी पूछना चाहता हूँ। तीनों लोग अलग अलग हैं बिल्कुल, और शो का नाम दिल से दिल तक, तो कुछ बातें दिल की भी हो जाएं। और मुझे लग रहा है कि राजीव भाई के मन में कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा होगा जो इश्क और मोहब्बत पे हो। तो अगर आप तीनों से मैं बारी बारी से पूछूं बेसिकली कि इश्क और मोहब्बत के बारे में क्या सोचते हैं तो वो भी बता दें, क्योंकि मैं अक्सर की बातें यहाँ पर शेयर करता हूँ, टॉपिक हम डिस्कस करते हैं शो में। तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी पूछ लें एक बार राय, तो जान लेने कि आप लोगों का तीनों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में। इश्क मेरे ख्याल से इश्क वो शय है कि जिसको हमें समझने की कोशिश कभी करनी नहीं चाहिए। ओके। क्योंकि क्योंकि क्या है ना कि जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना है ना, क्या वो उस दरिया को फिर पार करने में फायदा नहीं है। इश्क एक ऐसी शय है कि जिसमें डूब के ही पार पाया जा सकता है। जैसे मौलाना रूमी है, बहुत बड़े पोएट हैं। आप देखिए कि इंडिया से ज्यादा उनको जो है यूएस और यूके और पता नहीं सबसे ज्यादा पढ़े वाले पोएट्स में से हैं रूमी जी। तो वो कहते हैं ना कि इश्क में अगर आप हैं तो आपको जो है नीलाम, आपको खुद को नीलाम कर देना पड़ता है। इश्क वो शय है ना। मैं तो खैर डिविनिटी वाले इश्क की बात कर रहा हूँ, लेकिन दो तरीके के इश्क हैं, इश्क हकीकी और एक इश्क हकीकत में है और इश्क मजाजी दुनिया भी। तो उसमें भी जो चाहे कोई भी इश्क हो, नीलाम तो आपको करना पड़ेगा खुद को, आपको डेडिकेटेड तो होना पड़ेगा है ना, बगैर किसी शर्त, बगैर किसी सेक्रीफाइस के और बगैर किसी यू नो किसी को कोसे हुए कि है मैंने तो इससे इतना इश्क किया। अरे भाई तुमने किया तो क्या हुआ, वो अब नहीं चल पाया तो नहीं चल पाए, लेकिन इश्क तो करना पड़ेगा है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि मोहब्बत का मजा जब है ना हम सर के ना तुम सर को, इधर सर को उधर सर को,
यहाँ सर को वहां सर को, अगर सर को तो यूं सर को कलम कर दो मेरे सर को। क्या बात है, क्या बात है। इश्क के लिए मैं जो कहूँगा, खैर इश्क के सभी अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, जैसे मेरा तो माध्यम भाई म्यूजिक है जिसके जरिए मैं इश्क को जाहिर कर सकता हूँ। और वैसे इश्क में इश्क का मतलब वो है जिसमें लोग बिना कुछ कहे एक दूसरे की ही बात को समझ जाएं और एक दूसरे पर विश्वास कर सकें, वही इश्क है। बस 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 वही ना, जैसे म्यूजिक के बारे में सागर ने कहा तो वही मुझे विलियम शेक्सपियर का कोट याद आ गया है कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव सो प्ले ऑन। अब हमारे बुजुर्ग वार राम भाई बोले। भाई मजे दिला दिया आप लोगों ने, इतना इश्क मिजाजी माहौल कर दिया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। लेकिन थोड़ा सा हल्का आप सा किसी को प्रपोज कर सकते हैं यहाँ से। नहीं नहीं बस ये आराम से कर सकते हैं। नहीं नहीं, कितने अच्छे दोस्त लोग हैं बताओ यार, ऐसा कोई इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म देता है प्रपोजल के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने हाईजैकर फ्रेंड का और स्पेशली नरेश भाई का। लेकिन इतना ही कहूंगा कि गांठ अगर पड़ जाए तो वो रिश्ते हो या डोरी, गांठ अगर पड़ जाए तो रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश जुड़ने वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया राम भाई, बहुत बढ़िया। ये हस्तीमल हस्ती साहब की गजल है और मुझे एक बड़ा प्यारा शेर याद आया, इजाजत हो। इरशाद इरशाद। हमने इलाजे जख्म दिल तो ढूंढ लिया लेकिन, हमने इलाजे जख्म दिल तो ढूंढ लिया लेकिन, गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। मैं इस तरीके से भी कहता हूँ इसको कभी कभी के, प्यार का पहला खत लिखने में करंट तो लगता है। तो इन्होंने लेकिन राम सिंह ये बताएं जरूर हमको कि या तो चिट्ठी लिखने में वक्त कितना लगा था यार। खूब चिट्ठियां लिखी है तो इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगा मुझे, पर पहली चिट्ठी लिख डाली थी मैंने, इतना शर्म संकोच नहीं किया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी ये शो वो जिनके लिए राम सिंह ने गाना गाया वो प्रपोजल कुछ अलग तरीके से था, तो जब भी जो उन्होंने गाना अभी गाया जगजीत सिंह का, जहाँ तक मुझे याद है जगजीत सिंह की गजल है ये, तो उन तक पहुंच जाएगी जब भी वो इसे सुने, चाहे आज अभी सुने या यूट्यूब पे आप सर्च करें हमारा चैनल दिल से दिल तक, और वहाँ पे आके आप जब इस शो को सुनेंगे देखेंगे तो उम्मीद है कि आपका जो राम सिंह का जो एक हिडन मैसेज है वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। वैसे एक और तरीका है, अगर मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर अपने पास दूसरे तरीके भी है। अच्छा। कि एक 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 गजल है उसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है अपने एक शानदार अंदाज में और हाईजैकर अंदाज में जी, कि ये हकीकत है कि होता है असर लातों में,
तुम भी खुल जाओगे, तुम भी खुल जाओगे तो चार मुक्का ला तो में, ये वाह हकीकत है कि होता है असर ला तो में। ये भी अपना ही तरीका है। ये तो तरीका खैर लेकिन भाई डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ चला जाएगा, सही ये फिर बात केस है भी हो सकता है ना इसका। ये भाई हजल अगर सुना रहे हैं, अगर ये हजल वायलेंस सुना रहे केस भी हो हैं, सकता है फिर, एक ये मिनट, हजल सुना वायलेंस रहे नाम भाई। हाँ हाँ सुनाई जी, सर कही गई, वायलेंस नहीं होगा तो हाईजेकर कैसे कहलाएंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ तो सही करना बात है, बिल्कुल बिल्कुल। पड़ेगा, ये वही बात वही, है। जैसे 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 क्या क्या है ना कि वो अनवर मकसूद कहते हैं ना कि लोग तो अक्सर रहते हैं टोह में ऐसी बातों की, प्यार मोहब्बत के हैं सब दुश्मन, दिल के थोड़े काले हैं, देखिए कुछ मोहतात ही रहिए इस जालिम जमाने से। मैं भी बच्चों वाली हूँ और आप भी बच्चों वाले हैं। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब सागर। तो मैं मतलब मुझे ये लोग बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा मतलब कुछ कह रहे हैं। हाईजैकर्स में आपस में डिस्प्यूट है इस बात पे कि उन्हें एक को मौका नहीं ही नहीं मिल नहीं रहा है। नहीं अरे नहीं नहीं सागर भाई, नहीं नहीं खैर ये है कि बोलिए। मतलब मेरी वॉइस इनके सामने दब जा रही है ना, लेकिन अभी मैं भी कुछ सुनाता हूँ। इश्क की बात चल रही है तो इश्क को ही पूरा किया जाए। बिल्कुल चौधरी का चांद हो या आपका दुहो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौधरी का चांद हो या आपका दुहो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौधरी का चांद हो, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कवल, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कवल, या जिंदगी की साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तू किस शार ये कफाब हो, चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौधरी का चांद हो। माशाअल्लाह क्या बात है, और मेरे हाईजैकर्स बहुत टैलेंटेड हैं। ये गाना भी गाते हैं, कविताएं भी सुनाते हैं, बातें भी करते हैं, इश्क का इजहार भी करते हैं। और उधर राम तैयार हैं बिल्कुल, पता नहीं किसको मैसेज भेज रहे हैं गानों गज़लों के थ्रू, समझ में नहीं आ रहा मुझे अभी तक। अगर आप में से दोनों में से सागर राजीव किसी को पता हो तो शायद, हालांकि हम चाहते कि आप नाम तो अनाउंस ना करें, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इंजॉय ज़रूर करें इस बात को कि नहीं, वो जॉन लोग। एलिया का शेर है ना, ये दस्त वहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेते आप वो जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। तो वो यही चाहते हैं कि राम भाई उनका नाम। देखिए बात ये है ना कि हे सीरी स्टॉप रेडियो उड़ान की कन्वर्सेशन, बात और ये है कि सीरी ने कन्वर्ट नाम तो है, एक्चुअली मेरे स्कूल मेट भी थे और कॉलेज मेट तो नहीं लेकिन स्कूल मेट, रूम जी मेट और सब कुछ मेरे को तो मालूम होगा ही, लेकिन ये है अब थोड़ा इजाजत नहीं है ना, इतनी खुली छूट अब किसी को भी नहीं दी जाती ना। अच्छा सर सागर अपना संदेश तो दे दो, अपना संदेश भी तो पहुंचाओ। नहीं नहीं लेकिन अभी मैंने बीच में जो सीरी वाली बात सीरी से रुकवाया था, वो रेडियो ये अपना हाईजैक जो फ्लाइट है वो रुकी थी कि नहीं रुकी? नहीं नहीं कैसे रुकेगी, नहीं मेरा दो मेरा केवल संदेश यही सेकंड है के लिए कि रुक। देखिए
म्यूजिक में मुझे सुनते रहिए, प्यार बांटते रहिए और प्यार मिलता रहेगा, बस यही है। जिसको मैं पसंद आ जाऊं तो वो भी अच्छी बात है। नहीं नहीं, आप किसी को पसंद आ जाए वो बात ठीक है, लेकिन जिसको आप पसंद करते हैं उसके लिए क्या मैसेज है, संदेशा? खैर ऐसा तो कोई है नहीं अभी, और बाकी जो भी अपने आप को समझ रहा हो तो गानों ने उन्हें बता ही दिया है। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं, अभी कोई ऐसा नहीं है, मतलब अभी कोई एक ऐसा नहीं है, मतलब कई है कि किसको कहें? हाँ ये समझ सकते हैं आप। माशाल्लाह क्या बात है। एक चीज और नरेश भाई, आप भी तो जरा कुछ कह दीजिए इस शाम महफिल में कि कुछ मजा आ जाए और आपके इश्क की बात आपके इश्क तक पहुंच जाए। मेरा इश्क तो मेरे लिसनर्स के साथ है राम भाई, और ये जो इश्क है पिछले लगभग 7 सालों से चल रहा है, और उम्मीद यही है और एक इल्तिजा भी लोगों से कि आप सुनते रहें इसी तरीके से, क्योंकि अगर मैं 7 साल से एक ही शो को अलग अलग सीजन में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, हर बार कुछ नए सेगमेंट्स नए फीचर्स शो में ऐड होते हैं और उसके बाद लिसनर्स पसंद करते हैं उसे सुनते हैं, तो शायद इससे बड़ी मोहब्बत और कुछ हो नहीं सकती। और जब भी हम रेडियो पे होते हैं और आप सबके कानों तक पहुंचते हैं, कानों से दिलों तक पहुंचते हैं, क्योंकि रेडियो एक ऑडियो माध्यम है, तो शायद हमें नहीं पता कि हम कितने लोगों के दिलों में रहते हैं, लेकिन जहां भी रहते हैं खुश रहते हैं और शायद सुकून दे पाते हैं किसी को। लेकिन लेकिन ये जो है एक आरजे का आंसर है साथियों, ये एक प्रेमी का आंसर नहीं है, ये एस्केपिस्ट टाइप का डिप्लोमेटिक एक आंसर है। ये हाईजेकर्स क्रैक कर लेते हैं चीजों को, हमें तो पता है सारे सिस्टम कैसे। देखो क्या है कि राम भाई ने तो अपने इश्क का इजहार ठीक है गजलों के हवाले कर दिया, बस वो नाम नहीं ले सकते, बाकी तो सब हो ही गया है। बाकी ये जो नरेश भाई हैं और सागर हैं, इन्होंने म्यूजिक और लिसनर को कह के जो है टरका दिया है आप लोगों को, अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो। बाकी सागर की असली बात तो मैं जानता हूँ, क्योंकि सागर के साथ मैं भी जरा रहा हूँ आज 5 दिन, तो मैंने और सागर ने शायद एक आधे शोज भी किए हैं, तो मैं सागर की असलियत से वाकिफ हूँ। और नरेश भैया तो मतलब नरेश भैया देखिए सच बताइए, नहीं तो किसका नाम, किसी एक का नाम लेके किस किस को नाराज करूँ मैं, बताओ। अच्छा आप, अरे नरेश भाई आप बात समझ रहे, आपको वैसे आंसर यही देना है कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। एक मुलाकात लॉकडाउन है अभी, मिलना भी ठीक नहीं है वैसे आजकल तो। लोग कहते हैं कि अब तो इश्क मोहब्बत भी ऑनलाइन होते हैं, और माशाल्लाह आजकल वर्चुअल सब कुछ है, आपको मिलना नहीं है, और अब तो जमाना ऐसा भी है कि आप प्यार भी कर सकते हैं वर्चुअल ऑनलाइन, और जो डिफरेंट मोड्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू हो सकता है, मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिफ्ट भेजना है उसके लिए बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आपका साथ दे रही हैं, आप गिफ्ट भेज सकते हैं, तो इसके लिए भी ज़रूरत नहीं है कि आपको गिफ्ट खरीदने जाना पड़ेगा, बस जेब थोड़ी सी हल्की करनी है। राम सिंह इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन इसलिए ना मिले, नहीं तो बशीर बदर साहब का एक शेर है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगी तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगी तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया राजीव भाई, मजा आ गया सही में। और कल मैं लाइन दे रहा था किसी को, लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया इंटरनेट और लाइन टूट गई। कोई बात नहीं, लाइन जुड़ जाती हैं, और उम्मीद की लाइन जो टूटी है वो दोबारा से जुड़ जाएगी, और कुछ वक्त मेरे पास शायद और है जिसमें हम थोड़ी नन्ही नन्ही बातें कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि राजीव कुछ सुना दें, हमें कुछ सुनाना चाहते हैं साथ में, फिर मैं इसके बाद इनसे ज़रूर पूछूंगा कि ये हमारे सारे सुनने वालों को, आप कहीं पर भी सुन रहे हैं जो रेडियो के माध्यम से, वेबसाइट से, किसी थर्ड पार्टी के ऐप से आप हमें सुन रहे हैं, या फिर आप जब जब भी हमें सुन पाएं उस टाइम पे सुने, तो ये अपने अपने संदेशे आपको दें, आपको बताएं कि बेसिकली आज जिस दौर में हमें, जिस मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। तो राजीव क्या सुनाने वाले हैं अभी? इससे पहले राजीव सुनाए, मैं अपने दोनों हाईजेकर्स के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल,
किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा। क्या बात है। किसी के कान में हीरा, किसी के नाक से हीरा, नाक में हीरा। हमें हीरों से मतलब क्या, मेरा तो यार ही हीरा। यही कहना है मेरे दो प्यारे प्यारे हाईजेकर्स के लिए मुझे। एंड आई नो दैट द फ्लोर इज नाउ फॉर राजीव। बस मुझे इसी चीज का डर था कि इसके आगे की लाइंस ना गा दी जाए। खैर वो तो जब मैं आऊंगा आराम से मिलने तो हम गिटार विटार लेके बैठेंगे। तो मैं क्या सुनाना चाह रहा था, मैं मेरे रेडियो उड़ान के साथियों को क्या सुनाऊं, एक जॉन एलिया की गजल सुनाना चाहता हूं। जी सॉरी गजल नहीं, नज्म सुना जी। कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात है। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इसमें एक रमज है जिस रमज का मारा हुआ जैन, मुजदाए इशरते अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि ये मैं आखिरी सुना रहा हूँ तो जाने से पहले मैं एक चीज सुनाऊं के बताऊं कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे roomi_rajeev इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर अनाउंस कर दूं क्या? बिल्कुल नहीं, तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू जब आपको मैसेजेस यहाँ से मिलेंगे तो, या जब भी कोई आपको फॉलो करेगा तो वहाँ से भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ सकते हैं और आप लोग जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। और रेडियो उड़ान का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे हाईजैक करने का मौका मिला इस दिल से दिल तक को, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये हैं राजीव साहिर जो हमारे साथ हैं और खुले दिल से, और इतनी बातें आपके साथ शेयर की उन्होंने, मन खोल के दिल खोल के अपनी बातें रखी। और इसी में फ़ायदा है जब आप बातें कहें, दिल से कहें और दिल तक पहुंचा दें। शायद हमारा जो प्लेटफॉर्म है और हम जो चाहते हैं, जो शो का पूरा मोटिव यही है कि हम लोगों के दिलों तक पहुंच पाएं। और नरेश जी, मेरे मन में कुछ उबाल आ रहा है, जब भी आपको मौका मिले बताइए। पहले मैं एक उबाल कर लूं जी, जाते जाते है ना जी। जी इस जगह चाहते अब मेरी, इन लोगों का तुम्हें सारे दुनिया तेरे हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से, जिस रास्ते को ना मिले उस पे ना हो मेरे कदम, तेरे बिन न लेंगे एक विदा, तुझे कितना चाहे और तेरे साथ जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। बहुत खूब बहुत खूब। और इसको कहते हैं प्रॉपर हाईजैकिंग होना, कि मेरा कुछ प्लान और था, इनका कुछ प्लान था, तो बहरहाल चलता रहता है। मैं कह रहा हूँ सच में ये हाईजैकिंग तो है, भले हाईजैकर्स अच्छे हों, काइंड हार्टेड हों, अभी तक इन्होंने कोई राउंड फायर नहीं किया है, कोई बात ऐसी नहीं कि जिससे कि हिंसात्मक कोई बात नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी प्रॉपर हाईजैकिंग तो है कि मैं कुछ कहूँ इससे पहले सामने वाला बंदा अपनी बात रख देता है और मैं कुछ नहीं कर पाता। बिल्कुल सागर को हम फिर से सुनेंगे जब लास्ट में हम जाएंगे यहाँ से, आपको बाइंड अप करेंगे, साइन ऑफ करेंगे, तब इनसे जरूर एक चीज सुनेंगे। कुछ राम सिंह के दिल में उबाल आ रहा था। उबाल बहुत तेज आ रहा है भाई। हाँ बिल्कुल, सीटी आने वाली है। Thank you.
तो राम सिंह बताएं जरा, कुछ कहना चाहते हैं हमारे सभी सुनने वालों को? हम बहुत मुश्किल दौर से हैं, और अगर शायद हम पिछले 1 घंटे में आपको कुछ सुकून दे पाए हों, कुछ अच्छे पल देख पाए हों, तो शायद हम उसके लिए बहुत खुश होंगे, शुक्रगुजार होंगे, ग्रेटफुल होंगे कि हम शायद आप लोगों के काम आ पा रहे हैं, और कुछ अच्छा वक्त, कुछ अच्छे पल आपको इस सुकून के दे पा रहे होंगे। जब रात में आप पूरे दिन से थके हारे आते हैं, तो आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा सुनने को मिले, देखने को मिले, तो रेडियो पे जो आपको सुनने को मिला, शायद वो आपकी थकान दूर कर सके, आपकी नींद को और बेहतर कर सके। जब आप हमें सुने, उसके बाद आपकी जो नींद हो, वो शायद आपको सुकूनदायक हो। बिल्कुल। देखिए, बहुत मुश्किल दौर है, और जैसे हमने रेडियो उड़ान के शो को हाईजैक किया, उसी तरह से हमारे जीवन को भी हाईजैक कर लिया गया है एक वायरस द्वारा। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा दौर है जब आपको जीवन के कुछ जो रूटीन की आपकी चीज़ें हैं उनको बदल लेना चाहिए। जैसे स्पेशली किसी भी तरह से अगर आप एक क्लोज हाउस में भी रहते हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपना समय बिता सकें घूम फिर करके। दूसरा, फल फ्रूट ज़्यादा खाइए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, और पानी पीजिए। काढ़ा और ये सब पीने का ज़रूरत आप तभी समझिए जब आपको जुकाम या कोई ऐसी तकलीफ हो, नहीं तो उसका उल्टा नुकसान हो सकता है। दूसरा ये कि किसी भी तरह के डिप्रेशन में मत जाइए, अपने आप को मूव ऑन करिए, लोगों से बातचीत करते रहिए, खुद को एक्टिव रखिए। कभी भी आपको वीकनेस होती है तो वीकनेस को अपने ऊपर मत आने दीजिए, वीकनेस को भी हाईजेक कर लीजिए और वीकनेस के ऊपर प्रभावी हो जाएं, तो ये एक तरीका हो सकता है। बाकी मजे करते रहें, खुश रहें, और मुझे भी कहीं अगर देखें आप लोग तो जरूर फॉलो कर लीजिए, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो। मैं आईडीज वगैरह अनाउंस कभी नहीं करता, मतलब, लेकिन जो मुझे चाहने वाले होंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाते हैं और पहुंचेंगे। वैसे जी आप लोग नरेश भाई को बता सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अपना इनसे दिल से दिल तक का कनेक्शन है। बिल्कुल, जब आप हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पे या हमारे पेज पे हमारी वेबसाइट के थ्रू फीडबैक जाएं, आप पोस्ट करें, वहां पे आप अगर बात करते हैं हमारे तीनों हाइज के किसी के लिए भी, तो बिल्कुल वो बात उन तक पहुंचा दी जाएगी। आपकी जो विश होगी या जो आपकी विशेष होंगी वो उन तक जरूर पहुंचेंगी। और बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, हाईजैक होके मजा आया। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर हाईजैक होने के बाद अगर इतना मजा आता है, तो इंशाल्लाह हम सब हाईजैक हों लाइफ में, और बहुत कोशिश करें कि खुश रहें। आजकल तो बहुत से प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन जिसके थ्रू आप लोगों से बात कर सकते हैं, खूब सारी बातें करें। अगर आप थोड़े से भी अपने आप को महसूस करते हैं कि आप इन्फेक्टेड हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने आप को आइसोलेट कर लें सबसे पहले, ताकि अगर आपके पास कुछ भी थोड़ा बहुत है तो वो आपके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव तक ना पहुँचे। और उसके बाद भले आप एक कमरे से दूसरे फोन कमरे में कॉल कर लें, आजकल तो कॉलिंग का कोई इश्यू नहीं है, आप कोई आउटगोइंग के पैसे नहीं लगते, इनकमिंग के पैसे नहीं लगते, वो दौर भी बहुत पहले चला गया, दशक से ज़्यादा, लगभग 2 दशक हो गए हैं उस बात को कि जब ऐसा हुआ करता था। तो उसमें आप खुशियाँ बांट सकते हैं, खुश रह सकते हैं, माहौल जैसा भी हो, बस ये सोच के रखें कि जब अच्छा वक्त गुजर गया तो बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। और कहते हैं हर रात के बाद सुबह आती है, तो इस रात की भी सुबह होगी। वक्त थोड़ा सा मुश्किल है, अंधेरा ज़्यादा है, लेकिन कहते हैं कि जब रात और भी ज़्यादा काली हो जाती है, इसका मतलब सुबह पास है, नज़दीक है। सागर भाई, बिल्कुल ये तो है, और जैसे कि राम भाई ने बोला वैसे ही हम भी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा सब जगह मिलेंगे। जी और सागर डिवाइन म्यूजिक मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। बाकी आपसे तो दिल से दिल मिले ही हैं, तो कोई दिक्कत तो कभी है ही नहीं, और जब दिल से दिल मिले रहते हैं तो वैसे भी किसी को कोई परेशानी होती नहीं है, और फिर दुआ भी लग जाती है और दवा भी असर कर जाती है। क्या बात है, तो बिल्कुल हमारे तीनों हाईजैकर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया होगा। बिल्कुल, अगर आपने अभी नहीं सुना है तो जब आपके पास वक्त हो हमें यूट्यूब पे सुन सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं शो के वीडियो और ऑडियो सुन सकते हैं। आप सिर्फ यूट्यूब पे जाएं और दिल से दिल तक का जो चैनल है उसको सर्च करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद आपको हमारे सारे एपिसोड वहाँ पे मिल जाएंगे, तो मज़ा आएगा आपको वहाँ पे सुन के। और वहाँ पे भी आप अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं, अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इससे पहले कि मैं आपसे टाटा बाय बाय कहूँ,
तो एक चीज नरेश भाई, एक चीज, जी, जब आप YouTube पे सर्च करेंगे तो दिल से दिल तक का जो, सॉरी, रेडियो डान का जब चैनल मिलेगा, जी, वहां पे एक घंटी का बटन होगा जो दिल की घंटी है, वो आपको बजानी है। और जैसे टन की आवाज आएगी तो हमें पता लगेगा कि मतलब आपके और हमारे दिल मिल गए और दिल से दिल तक हो गए हैं, तो वो जरूर कर बिल्कुल, दीजिए। घंटी के बाद जब नोटिफिकेशन, जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे वहाँ पे, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा उसका, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पे सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे टाटा बाय बाय कहूँ, शुक्रिया फिर से उन लिसनर्स का जो शायद पार्टिसिपेट कर चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, उन लिसनर्स सिर्फ हमें सुना उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रॉमिस तो यही है कि सागर भाई 2 या 3 गाने छोटे छोटे जल्दी जल्दी जब सुनाएंगे हम, जब वाइंड अप कर रहे हैं यहाँ से, तो पहले बस इतना कि नेक्स्ट वीक ठीक 10 बजे यानी कि जुमरात को आपको फिर से मिलूंगा इसी शो में, इसी प्लेटफॉर्म पे। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो डॉन फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। मुझे डोर कोई कीजे तेरी ओर लिए जा, ये शाम अटकाने मत हो, मुझे डोर कोई कीजे तेरी ओर लिए जा, कहीं दूर जब दिल ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, उसके से आए मेरे ख्यालों के आंचल में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, छुपके से आए। सच्ची सी है तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला है सही है, दुनिया मेरी हमदम ओ आसमां मिला, जमी तो मेरे आधे आधे पूरे हैं, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दे, मेरे हमदम हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे हाँ सीखा मैंने जीना, मेरे हमदम ना सीखो कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखो जीना तेरे बिना हमदम।